पेश है ऑडियो स्टोरी द स्नाइपर बाय लियोम ओ फ्लेवर्टी। ये कहानी उन दिनों की है जब आयरलैंड के डबलिन में रिपब्लिकन्स और फ्री स्टेटर्स के बीच में गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर हो रही थी। डबलिन में गहरा अंधेरा छाया हुआ था, परंतु चंद्रमा की रोशनी लीफी नदी के बहते पानी से आती हुई यूं प्रतीत हो रही थी मानो रात सुबह की तरफ अंगड़ाई ले रही हो। राइफल्स और मशीन गन्स की आवाज रात की खामोशी को तोड़ रही थी। ओ कॉनल ब्रिज के पास एक छत पर एक रिपब्लिकन स्नाइपर यानी बंदूक का निशानची खड़ा था। उसके बगल में एक राइफल पड़ी हुई थी तथा कंधों पर एक पेयर ऑफ ग्लासेस रखा हुआ था। उसका चेहरा एक छात्र के समान पतला व साधारण था, परंतु उसकी आंखों से कट्टरपंथी साफ नजर आ रही थी। वह खून का प्यासा था और मानो उसकी आंखें मौत को देखने की आदी हो चुकी थी। रिपब्लिकन स्नाइपर के ऑपोजिट छत पर एक फ्री स्टेटर स्नाइपर भी खड़ा था। रिपब्लिकन स्नाइपर ने जो कि सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी एक सैंडविच निकालकर खाना शुरू कर दिया। रिपब्लिकन स्नाइपर ने फिर एक सिगरेट लेना चाहा, पर वह डर गया। रिपब्लिकन स्नाइपर के डर का कारण ये था कि उसके सिगरेट चलाने से अंधेरे में रोशनी की किरण पैदा हो जाती और उसका पता दुश्मन स्नाइपर को चल जाता। आखिर में उसने ये जोखिम उठाया और वही हुआ जिसका डर था। ऑपोजिट साइड पर खड़े स्नाइपर ने उसे देख लिया। उसी समय वहां पर एक मिलिट्री कार आ गई और एक बूढ़ी महिला ने जाकर मिलिट्री कार में मौजूद आदमी को रिपब्लिकन स्नाइपर के होने के बारे में बता दिया। इससे पहले कि रिपब्लिकन स्नाइपर को वह आदमी कुछ डेंजर पहुंचा पाता, रिपब्लिकन स्नाइपर ने उसे मार डाला। जब उस बूढ़ी महिला ने भागना चाहा तो रिपब्लिकन स्नाइपर ने उसे भी मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो बूढ़ी महिला जाकर उसके बारे में किसी और को बता देती और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। उसी समय फ्री स्टेटर स्नाइपर ने गोली चला दी और वो गोली जाकर रिपब्लिकन स्नाइपर की बाजू पर लगी। अब रिपब्लिकन स्नाइपर अपनी राइफल उठाने के काबिल न रहा। यहाँ रिपब्लिकन स्नाइपर ने अपनी चालाकी का परिचय दिया। उसने छत के किनारे पर एक राइफल को रख दिया। उसी राइफल के ऊपर उसने अपनी टोपी भी रख दी। जब फ्री स्टेटस स्नाइपर को ये लगा कि वो राइफल पर रखी टोपी एक जीता जागता इंसान है, उसने उसे अपना दुश्मन समझा और उस पर टारगेट करके गोली चला दी। वहीं रिपब्लिकन स्नाइपर ने भी ऐसा ही प्रिटेंड किया कि जैसे वो मर चुका हो। जब फ्री स्टेटस स्नाइपर को ये लगा कि उसने रिपब्लिकन स्नाइपर को मार दिया है, तो वो बेध्यानी में अपनी छत पर खुशी से खड़ा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए रिपब्लिकन स्नाइपर ने फ्री स्टेटस स्नाइपर की तरफ बंदूक करके गोली चला दी और वो डायरेक्ट फ्री स्टेटस स्नाइपर को जाकर लगी। अब फ्री स्टेटस स्नाइपर जिंदा ना था। यहाँ रिपब्लिकन स्नाइपर खुशी से इतराने लगा कि उसने फ्री स्टेटस स्नाइपर को मार दिया है। रिपब्लिकन स्नाइपर फ्री स्टेटस स्नाइपर का मृत शरीर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मगर जैसे ही रिपब्लिकन स्नाइपर वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह मृत आदमी कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। वह दुख से चिल्लाया, ये मैंने क्या कर दिया। उसे अपने किए पर पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रिपब्लिकन स्नाइपर में अब युद्ध की लालसा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो अपने आप को बहुत कोस रहा था, परंतु अब जिंदगी उसे दूसरा मौका नहीं देने वाली थी। इस कहानी में हमने ये देखा कि युद्ध का पर्पस यानी मकसद बेशक अच्छा भी हो, परंतु फिर भी युद्ध किसी के लिए अच्छाई नहीं लाता। सही कहा गया है, वॉर सर्व नो पर्पस। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी और मेरे कहानी सुनाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और डेमोंस्ट्रेशन या स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।